कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाया जा सकता है। मार्केट में मिलता है लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कंडेंस मिल्क, तो चलिए बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुचिता कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी नई नई रेसिपीज की जानकारी के लिए। इसके लिए लगने वाली सामग्री, दूध आधा लीटर, चीनी 100 ग्राम और एक पिंच खाने का सोडा। तो सबसे पहले हम पैन में दूध डाल देते हैं और दूध को मीडियम फ्लेम पे उबलने देते हैं, और जैसे ही दूध आधी क्वांटिटी में बच जाए तब हम इसमें चीनी मिला देते हैं। ये देखिए दूध उबलते उबलते आधा बच गया है, अब मैं इसमें चीनी मिला लेती हूँ। कंडेंस मिल्क हो सके तो नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। इससे क्या होता है, इसमें लम्स ज्यादा नहीं बनते और कंडेंस मिल्क अच्छा बनता है। अगर नॉनस्टिक पैन ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी बर्तन में इसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से लम्स हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करें, ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लें तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा स्मूथ, जैसे कंडेंस मिल्क का होना चाहिए वैसा ही बनता है। ये देखिए चीनी डालने के बाद इसे मैंने 5 से 7 मिनट तक और पकाया है, और अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ। जैसे हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं तब इसमें बबल्स क्रिएट होते हैं, ये देखिए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बेकिंग सोडा होता है इसमें कैरमेलाइजेशन बना के रखता है, और जैसे मार्केट का कंडेंस मिल्क होता है वैसे ही टेक्सचर ये देता है। तो इसके लिए हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, और बस अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, अब इसे ज्यादा नहीं पकाना है। अगर हम इसे यहाँ पे ज्यादा गाढ़ा कर दे तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा गाढ़ा बन जाता है, तो इससे ज्यादा इसे ना पकाए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट है, मार्केट जैसा ही कंडेंस मिल्क घर पे बनाया जा सकता है। आप इसे जरूर बनाइए, और बहुत सारी मिठाइयों में इसे यूज किया जाता है, और एगलेस केक में तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और बनाने के बाद मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।